सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड आई एम वेरी श्योर यू ऑल आर रेडी फॉर द एग्ज़ामिनेसन एंड हमने इंडियन इकोनॉमी फिर उसके बाद कुछ पब्लिक फाइनेंस मैक्रो मैथ्स एंड स्टेड्स और भी बहुत सारे वीडियो थे तो हमने अपलोड किया एंड आई वॉज गेटिंग ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स सो मोस्ट ऑफ द वीडियो हैज़ मोर दैन टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड व्यूज दिस मीन्स यू पीपल आर डेली लाइकिंग The video now it's very high time to stay cool and stay calm. Exam hall में जैसा कि मैंने आपको बताया है आप वो दो काम जरूर करेंगे एक तो आपको अपने आप को काम रखना है positive start करना है Question jahan pe tough आएंगे ठीक है Just you skip and move to the easier one। उससे क्या होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और मैंने बताया था कैसे यह ट्रांसमिशन मैकेनिज्म काम करता है द मोमेंट यू सॉल्व द questions सॉल्व जैसे ही क्वेश्चन होगा करेक्ट होगा उससे क्या होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर उसके बाद क्या होगा आपका मोटिवेट होगा नो आई कैन डू मोर क्वेश्चन फिर जब यह होगा तो इवन टफर क्वेश्चन विल सीम्स ईजियर ठीक है तो ऑल टुगेदर आपका मार्क्स बढ़ेगा यह हमने फ्यू डेज बैक भी बात किया था कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से कैसे हम अपने आप को मार्क्स को बूस्ट कर बूस्ट कर सकते हैं एक तो यह करेंगे और सेकेंड चीज़ जो करेंगे आप एग्जाम हॉल में सेकेंड चीज़ में रूल ऑफ थ्री लगाएंगे ठीक है रूल ऑफ थ्री रूल ऑफ थ्री मीन्स पहले वन लाइन वन लाइनर क्वेश्चन करना है और यहाँ पे पेज नहीं है यहाँ पे आपको स्किप करना है खट खट खटखट खटखट नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है टू थ्री डेज बैक आई हैव अपलोडेड सी यू ई टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन पेपर इन सी बी टी मोड जैसा आपको एन टी ए क्वेश्चन देगी सेम टू सेम वैसा ही मैंने अपलोड uh, किया था यू माइट हैव अटेम्प्ट मनी ऑफ यू हैवेंडेड एंड आउट ऑफ थ्री हंड्रेड मैनी पीपल गॉट टू हंड्रेड वन नाइनटी सिक्स एंड समथिंग लाइक दट इट वॉज जस्ट लाइक दैट वहाँ पे तीन चार ऑप्शन रहेंगे और <coughs> हाँ पल इसको हम देख लेते हैं तो एक ये वन लाइनर रहेगा वन लाइनर आप सबसे पहले करेंगे ठीक है चाहे कुछ भी हो ये थियोरी किसने दिया वो थियोरी किसने दिया इलास्ट्रिसिटी का वैल्यू यह है तो क्या आएगा डिमांड डिमांड कर ऐसा है जो भी रहे एक एक लाइनर रहेगा कनके वो अला होगा कनवेक्स जो भी वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे जो आप पढ़े हैं फर्स्ट यू शुड डू दैट ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेकेंड क्वेश्चन जो रहेगा सेकेंड में क्या करना है आपको जो भी नॉन एरिया रहेगा ठीक है सेकेंड वाला जो नॉन एरिया रहेगा मीन्स यू ऑलरेडी नो ठीक है व्हाट यू नो ऑलरेडी व्हाट एवर सब्जेक्ट इज योर फेवरेट समटाइम्स आई कॉल इट एज द फेवरेट सब्जेक्ट ठीक है तो यह हो गया आपका फेवरेट सब्जेक्ट वाला एरिया चाहे किसी का माइक्रो रहेंगे मैथ्स रहेंगे स्टेट्स रहेंगे डजेंट मैटर यह हो गया फेवरेट और थर्ड वाला जो आपका रहेगा रूल ऑफ थ्री में थर्ड वाला जो attempt रहेगा वह रहेगा एलिमिनेशन मेथड एंड टफ क्वेश्चन अब देखिए थोड़ा हम एलिमिनेशन मेथड की बात कर लेते हैं तो एलिमिनेशन मेथड जो आएगा एलिमिनेशन मेथड इसमें आपको क्या लगाना है इसमें रूल ऑफ इंट्यूशन लगाना है सबसे पहले रूल ऑफ इंट्यूशन देन रूल ऑफ लॉजिक लगेगा ठीक है इंट्यूशन देखे क्या होता है इंट्यूशन आई कि इट्स योर गट फीलिंग ठीक है जो गट आपका कहेगा चार ऑप्शन है ए बी सी डी ठीक है बट आपका गट कहेगा कि नहीं यार गो विथ ऑप्शन सी डजेंट मैटर इफ यू आर वेरी श्योर यू हैव टू अटैप्ट क्वेश्चन डेफिनेटली यू शुड गो विद द सी दैट्स इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एटी नाइन परसेंट दैट वुड बी करेक्ट ट्रस्ट मी अगर इफ यू आर नॉट अटेंडिंग दैट दैट क्वेश्चन लीव इट नो इशू और एक लॉजिक वाला जो क्वेश्चन रहेगा जैसे सपोज डेट कुछ क्वेश्चंस हैं और सारे क्लासिकल्स के पूछे जा रहे हैं ठीक है ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लासिकल्स फीचर एंड ऑल और एक आध फीचर उसमें किन्स का आ गया है तो दैट टाइम यू कुड एलिमिनेट किन्स एंड जस्ट गो विथ ऑल लाइक दिस एंड एट एनी कॉस्ट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कम्पिटेटिव आई वॉन्ट से टफ इजी टफ ईजी नहीं होता एग्जामिनेशन ना तो टफ होता है ना ईजी होता है एग्जामिनेशन इज ऑलवेज कॉम्पिटेटिव इन नेचर ठीक है अभी हम कट ऑफ की बात करेंगे कि आपको मिनिमम कितना रखना है जो डीएससी वगैरह के एस्पिरेशंस रख रहे हैं जेएनयू के एस्पिरेशंस रख रहे हैं उनको मिनिमम सिक्सटी फाइव प्लस अटेम्प करना है फ्रॉम जनरल कैटेगरी सेइंग डोंट लीव क्वेश्चन क्योंकि फोर करेक्टिंग वन करेक्ट यू आर गेटिंग प्लस फोर यार उस पर दो भी गलत हो जाए तो माइनस दो तीन गलत हो जाए तो भी माइनस तीन इसलिए ट्राई टू अटैम्प्ट मैक्सिमम डोंट से कि सर मैंने फिफ्टी किया सर फोर्टी किया नो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस यस फोर्टी फिफ्टी वाले ऑलरेडी आउट ऑफ रेस हैं क्योंकि चार पाँच आठ सात आठ गलत होंगे ही तो प्लीज बट डोंट लूज योर हार्ट तो एनी हा सिक्सटी टू सिक्सटी प्लस करेक्ट करेंगे और मैं बता रहा हूँ यह कब होगा यह तभी होगा जब आप पहले इजी करेंगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी यही रूल ऑफ थम वाला और उसके बाद स्टक नहीं करेंगे क्वेश्चन में स्टक नहीं करना मैं बता रहा हूँ जैसे सपोज दैट किसी ने गेम थ्योरी पढ़ के गया ठीक है गेम थ्योरी से एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं दैट इज़ नॉट ए बिग डील एंड स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में अगर एक क्वेश्चन आ गया एक क्वेश्चन आ गया आप सॉल्व कर दे रहे हो इट्स ए सी बट इफ़ यू गेट स्टक वैल्यू ऑफ गेम निकालने में हम स्टक कर गए यू आर गॉन चार से पांच मिनट अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा लग रहे हैं जस्ट मूव जस्ट लीव दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ फोर मार्क्स डोंट रियून यूर एंटायर वन ईयर ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट मूव इमोशनल नहीं होना है एग्जाम हॉल में मैं आपको बार बार, बार बता रहा हूँ और इसको आप गांठ बांध लो और यह एग्जाम में सक्सेस फेलियर कुछ नहीं होता है हमेशा कोशिश करो कोशिश कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दिस इज़ वेरी आई मीन नियर टू मी जस्ट कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कोई बात नहीं है सी यू टी नहीं होगा देन वी हैव नेक्स्ट एग्जाम वी हैव जामिया एग्जामिनेशन ठीक है सी यू टी ट्वेंटी फाइव एग्जामिनेशन यू कैन टेक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द ब्रेक ईयर ठीक है सी यू टी ट्वेंटी फाइव का भी है कोर्स यू कैन सी दैट और यह नहीं भी होगा तो जामिया एग्जामिनेशन है एम एस सी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन दिन इसका एग्जाम जून में होगा एम एस सी का जामिया का मई में है तो डोंट सी की थिंग्स आर जस्ट गॉन थिंग्स आर नॉट गॉन यू हैव लॉर्ड्स ऑफ ऑप्शन दो मंथ है अभी ओके एंड दिस इज द ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम ध्रुव गुप्ता मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग डी में जो अभी एडमिशन हुआ है ठीक है डी में एडमिशन जो हुआ है अंडर दैट कैटेगरी ही हैज़ रैंक वन एंड आई कैन प्राउडली से एंड ध्रुव के साथ वी हैव डन ए नाइस पॉडकास्ट ऑल्सो डेली इट वॉज वेरी गुड तो ही इज ऑल्सो द को एडमिन ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप तो ही जस्ट मैसेज में कि सर

अब तो आपको बेस्ट के लिए ये नहीं पढ़ा हो कुछ नहीं जो नहीं पढ़े हो समझो वो नहीं आएगा जो आप पढ़े हो जस्ट थिंक ऑफ कि वही आने वाला है इट बी नाइस इफ यू कैन शेयर माई मैसेज विथ ऑल ऑफ दैम एट वंस सिंस रिप्लाइन टू एवरी वन इंडिविजुअल इज डिफिकल्ट डेफिनेटली सो आई वॉन्ट टू टेल दैम आई डेंटी इग्नोर बट जस्ट टू के ब्रेक फॉर माई सेल्फ डी एस सी कितना हेक्टिक होता है आपको पता है और डेली मैसेज आना और उसमें अभी आपका आ, इंट्रेंस से अभी आप बाहर जाके अभी आप सेमेस्टर मोड में हो तो आई कैन अंडरस्टैंड ओके चलिए कि नेक्स्ट बैच में आप भी ध्रुव जैसे कोई बाहर बन के आए एंड डेफिनेटली यू हेल्प योर जूनियर्स होप टू सी यू इन द कट ऑफ सेशन वी विल हैव कट ऑफ सेशन आल्सो आफ्टर टू टू थ्री डेज आई विल रिलीज माय कट ऑफ एंड आई कैन प्राउडली से कट ऑफ हमारा ऑथेंटिक होता है 22 हो 23 हो 24 में भी बेस्ट कट ऑफ होगा बिकॉज वी आर इन टच देखो अब मैं बता रहा हूँ 700 का बैच है तो वी गो फॉर वोटिंग वी गो द डेप्थ ऑफ स्टूडेंट्स कितना क्वेश्चन था आई एम ऑल्सो स्टूडेंट तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना तक क्वेश्चन हो सकता है कितना कट ऑफ रहेगा एंड ट्रस्ट में कट ऑफ जो मैं बताऊँगा उससे एक दो परसेंट एरर होगा एक से दो परसेंट कम ही जाएगा उससे हाई कट ऑफ नहीं जाएगा सो हैव फेथ इन मी और अपने जूनियर्स को यह वीडियो जल्दी से, से शेयर कर देंगे अपने पीयर्स को शेयर कर देंगे अगर आप देख रहे हैं ताकि उनको एक मोटिवेशन मिलेगा एक ऊर्जा मिलेगा एग्जाम हॉल में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है रूल ऑफ ट्रांसमिशन को फॉलो करना है रूल ऑफ थ्री मैं कई बार बताया हूँ उसको आप फॉलो करो रूल ऑफ इंस्टिंक्ट को फॉलो करो यह जो इंस्टिंक्ट वाला है यह सबसे मेरा फेवरेट है इंस्टिंक्ट से मैं बता रहा हूँ ना चार पांच क्वेश्चन पक्का आएंगे जब आप कंफ्यूज हो ए बी ए बी ए बी बी सी बी सी जस्ट गो फॉर इंस्टिंक्ट डेलिबरेटली यू गो जो भी फर्स्ट में आया था जस्ट यू गो फर्स्ट टाइम जो आपके माइंड में आया था जस्ट यू गो और एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो उस वक्त आप देख लोगे इट्स ओके फॉर ऑल दैट और यह भी सोचो ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्यों करना टाइम पास यार दिस इज द वॉर वॉर में क्या मैटर करता है हाउ यू विन द हाउ यू विन द वॉर ड मैटर आपने किसको कहाँ पटका किसको कैसे हराया डजेंट मैटर दिस इज द वॉर यू हैव टू विन दैट्स इट सिमिलरली दिस इज द सी यू टी यू हैव टू स्कोर थ्री हंड्रेड में मैक्सिमम एज मच एज यू कैन चाहे वन एट्टी लाओ वन एट नाइन्टी लाओ टू हंड्रेड लाओ जैसे भी लाओ चाहे जो क्वेश्चन पढ़ लो चाहे पब्लिक फाइनेंस के कर लो मैथ्स के कर लो इकोटिक्स के कर लो जो भी करके जाओ ठीक है अब आप एक दिन आज काम रहेंगे कंपोज रहेंगे जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है म्यूजिक देख लेंगे कुछ लोग मूवी भी देखते हैं बट आई नॉट आई कैन नॉट रिकमेंड माई ओन चॉइस यूजअली खाने पीने पे ध्यान देंगे अच्छे से खाएंगे बात कर लेंगे घर नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे प्लीज नेगेटिविटी को अवॉइड करेंगे और अपने आप को काम रखेंगे और जो भी पढ़ाई की हो उसमें पॉजिटिव रहो क्योंकि जो भी आप पढ़े हो मेक श्योर व्हाट एवर यू हैव स्टडीड व्हाट एवर यू हैव स्टडीड ना मेक श्योर दैट शुड नॉट बी इन करेक्ट इन योर एग्जामिनेशन जैसे आपने अगर पढ़ लिया है मोनोपोली अच्छे से फ्रॉम मोनोपोली इफ न्यू क्वेश्चन कम दैट यू कैन मेक सम सर बट मोनोपोली के आपके नोट से आ रहे हैं हमारे क्लास लेक्चर से आ रहे हैं योर स्टडीज से आ रहे हैं दैट मस्ट बी करेक्ट दैट इज द रूल ऑफ विनिंग यह आप करते हो आपका जीत पक्की है जीत सुनिश्चित है तो प्लीज डू दिस एक तो यह करेंगे रूल ऑफ थम करेंगे और हमेशा ना एवरेज सोचो इफ यू आर परफॉर्मिंग एवरेज योर रिजल्ट इज फॉर श्योर जे एन यू डी एस सी यह है हाँ जैसे ही आप बिलो एवरेज गए ना बिलो एवरेज किसको बोलता मैं बता रहा हूँ मीन्स यू कुड हैव डन दैट बट यू डिड नॉट दैट दैट इज़ का मतलब हुआ बिलो एवरेज और ये बिलो एवरेज होता है ओवर थिंकिंग्स ओवर थिंकिंग एकदम ना करें ओवर स्मार्ट एकदम ना बने क्वेश्चंस को इजीली लें अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट समझें उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है ऐसा होता है कि यार इतना अच्छा यह सी का एग्जाम है पीजी लेवल का एंट्रेंस है यह इतना तो इजी नहीं पूछेगा अब सपोज दैट उन्होंने पूछ दिया कि एमपीएस का वैल्यू यह था एम का वैल्यू ये था इन्वेस्टमेंट ये था आउटपुट ये था बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया डायरेक्टली दे आर आस्किंग सिंपली मट्टीप्लायर तो मल्टीप्लायर का पता है आपको वन बाय एम एक दो क्वेश्चन इजी भी तो देंगे आपको जस्ट ये निकालो ना इधर उधर क्यों देख रहे हो नहीं यार सी है ये है वो है डी लेवल का एग्जाम है टफ होगा नहीं क्यों होगा टफ़ यार

और कल एग्जाम के बाद मोस्ट वेबलिट एक से दो दिन में आई विल ट्राई टू गिव द रफ आइडिया ऑफ कट ऑफ एंड फील फ्री टू टेक्स्ट मी एनी टाइम दिस इज माय दिस इज माय पर्सनल दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम यू कैन फील मी एंड प्लीज डोंट आस्क सर इसका कट ऑफ क्या होगा सर उसका कट ऑफ क्या होगा सर मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया भाई इसमें मैं क्या इनपुट लगाऊंगी देखो प्लीज़ आस्क दोज थिंग्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब यूट्यूब पे एवरीथिंग आई हैव पोस्टेड एंड प्लीज़ आस्क दो थिंग विच इज फिजिबल फॉर मी टू आंसर जो मैं आंसर दे सकता हूँ जहाँ पे यू डेफिनेटली नीड माई हेल्प नॉट इंटरनेट हेल्प नॉट अदर्स हेल्प प्लीज आस्क Feel free to connect me anytime. I am always with you. Think like I am sitting with you in in the examination hall. ठीक है अभी जो आप ये lecture सुन रहे होंगे या motivating video कुछ भी सुन रहे होंगे just तो think कि जब आप exam hall में हो सी एग्जाम हॉल में CBT दे रहे हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आई एम विथ यू और हाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में याद रखोगे वो मार्क एंड रिव्यू जो होता है इफ़ यू डोंट सबमिट इट गेट्स ऑटोमेटिकली सबमिट जो आप क्वेश्चन लीव करोगे अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सबमिटिंग द एग्जाम हॉल एग्जाम हॉल काफी स्टूडेंट फ्रेंडली होता है नो नीड टू गेट पैनिक एवरी थिंग एवरी थिंग यू विल गेट टू नो क्या ले जाना है नहीं ले जाना है दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एक फोटो ले लीजिएगा एक आई डी कार्ड ले लीजिएगा चाहे आधार कार्ड एटलीस्ट इफ यू हैव दिस थिंग्स दे विल अलाउ यू टू राइट द एग्जाम द डिस् थिंग यू कैन लीव यू कैन टेक विथ यू नो इशू ट्रस्ट मी यार इट्स वेरी ईजी एटलीस्ट फोटो रखेंगे और अपना आई डी कार्ड रखेंगे चाहे वोटर आई कार्ड हो आधार जो लोग गैप लेना चाह रहे हैं बिकॉज टेकिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन स्टेप नहीं है जैसे देखिए अब यहाँ पे एक गुलेल है मान के लिए ठीक है तो इसको आप पीछे खींच के मारोगे तब तो यहाँ दूर जाएगा ठीक है इट्स नॉट थिंक कि बैक लेने से कुछ होगा सो दे आर मोस्ट वेलकम टू दवीनोमिक्स का हमारा कोर्स स्टार्ट है कोर्स रनिंग है फ्यू क्लासेज है द वे आई कनेक्ट द स्टूडेंट्स आई एम टिल योर एडमिशन आई विल बी ऑलवेज देयर ट्वेंटी फोर बाई सेनेक्ट एस ठीक है और इसके बाद एग्जाम में आपका अच्छा जय बुरा जय जस्ट लिव दैट जिनको जामिया एम एस सी भी जाना है इफ़ यू थिंक आई एम आई थिंक आई मे नॉट गेट डी एस सी सी यू टी एंड ऑल तो देखिए सी में कोई पास और फेल नहीं होता ठीक है इट्स नॉट एन पास इट्स एलिजिबिलिटी एग्जाम हो सकता है किसी का 50 मार्क्स में भी एडमिशन हो किसी का 150 मार्क्स में भी ना हो सो इट्स नॉट पास एंड फेल एंड दिस इज द कोर्स डिटेल्स फॉर एम एंड चलिए जामिया मैं बता रहा हूँ एक चीज़ थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर योर वॉल मैसेज एंड बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड ऑल्सो दिस इज ध्रुव गुप्ता हाँ मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं पास हो जाऊंगा मैं फेल हो जाऊंगा कुछ नहीं होता जैसे सपोज दैट मैं बता रहा हूँ यार फिफ्टी मार्क्स में भी आपका एडमिशन होगा चलिए गुड लक मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा आपका ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा ऑलरेडी टाइम इज़ लिमिटेड टू यू प्लीज़ डू दिस इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यू डू दिस अगर आप अपने तरह से कर रहे हो तो देन इट इज ओके इफ इट इज वर्किंग इफ इट्स नॉट वर्किंग प्लीज़ डू दिस वाट एवर आई टोल्ड यू रूल ऑफ थ्री रूल ऑफ इंट्यूशन पहले इजी गो जो फिर फेवरेट जाओ फिर टफ क्वेश्चन दो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम डोंट गेट स्टक डोंट गेट इमोशनल टू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस यार ये ये मैंने पढ़ा है तो ये क्यों नहीं बनेगा अब सपोज दैट आप ओलिगोलिकल ऑलिगोपोलिकर न्यूमरिकल कर रहे हो ठीक है आप न्यूमरिकल कर रहे हो और आप सोचोगे कि यार ये मैं है तो क्यों नहीं बनेगा जाओ दस मिनट आपका वेस्ट हो गया समझ रहे हो बात को सो डोंट गेट इमोशनल प्लीज एंड प्लीज दैट इज द रूल ऑफ सक्सेस गैस चलिए गैस थैंक यू सो मच थोड़ा नॉइजी नॉइज आ रहा होगा इसके लिए आई एम सॉरी एंड आई होप टू सी यू इन द एग्जामनेशन हॉल मैं भी आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में रहूंगा जस्ट थिंक लाइक दैट आई एम ऑलवेज विथ यू एंड थैंक यू ध्रुव अगेन चलिए बाय बाय टेक केयर इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू कनेक्ट मी इवन आफ्टर द एग्जाम बट प्लीज डोंट आस्क कट ऑफ डोंट आस्क कट ऑफ सर आई डिड दिस आई डिड दैट क्वेश्चन सर आई एम गेटिंग वन फिफ्टी हा यू आर गेटिंग वन फिफ्टी आर फोर्थ अप्रैल के बाद रिजल्ट आ रहा है एंड यू आर गेटिंग वन फिफ्टी वन सिक्सटी अपने मन से प्लीज डोंट आस दिस थ्री क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ मॉरल सपोर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ एकेडेमिक सपोर्ट फील्ड फ्री टू कनेक्ट मी हियर नवी नवनीत दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम नॉट हियर दिस इज नवी नॉमिक्स देर इज ए दिस नवी एन वी आई नवी एन ए वी एन डबल नवनीत ओके यू कैन कनेक्ट मी हियर चलो गाइज विश यू द बेस्ट एंड फोर क्या हो गया आप एग्जाम में जो हमने किया है जल्दी से अगर आपको रिवाइज करना है तो अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना कल क्या पढ़ना है जैसे वन लाइन एट जल्दी से देख लिये ग्रुप में बहुत सारे पिक्स हैं उसको देख लेंगे मतलब वन लाइनर वाला जो है ना मग्गा वाला मग मग करने वाला रट्टाफिकेशन वाला उसको कल आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे मैंने ग्रुप में भी पिक्स डाले हैं नियरली ट्वेंटी थर्टी प्लस पिक्स उसमें से एक दो क्वेश्चन पक्का आना है वह सब देख लोगे इकोनॉमिक्स का नाम देख लोगे जस्ट गूगल करते जाओगे यह क्या हुआ वह क्या, क्या, क्या हुआ ये थोड़ी किसने दिया इस टाइप के एक आधे आ सकते हैं अब लास्ट में जो कंसेप्ट है आपका वही रिजल्ट आपको दिलाएगा ठीक है तो ज्यादा पैनिक नहीं होना ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े ठीक है हम कुछ और पढ़े हैं वह आएगा या हम नहीं पढ़े हैं हमने जो पढ़ा है वह आएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है इस तरह से चीजों को देखो ना जस्ट थिंक यू आर द बॉस अहम ब्रह्मा एसमी वॉट एवर यू हैव रेड दैट इज गोइंग टू कम योर एग्जाम ओके विश यू द बेस्ट यू आर गोइंग टू जस्ट मेक इट ट्रस्ट मी और कट ऑफ वट ऑफ में टेंशन बिल्कुल नहीं लो पेपर ईजी रहेगा तो कट ऑफ आ जाएगी कट ऑफ टू से प्लस भी जा सकती है पेपर मॉडरेट रहेगा टफ रहेगा कट ऑफ वन से बिल हो जाएगी ठीक है बट लुकिंग एट द टू लेवल मैं बता रहा हूँ आपको जो भी वन प्लस स्कोर कर रहे हैं नियरली उनके लिए जे ये सब एच सी यू होगी और फिर डी एस सी होगी यह सब पक्का श्योर है तो कम से कम माइंड में रखें कि क्वेश्चंस को मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है अगर आपको टाइम नहीं आप नहीं भी आ रहे हो तो इन ट्यूशन पर तो कगा कि आप अटैम्प्ट करो प्लीज़ गो सिक्सटी प्लस बी ट एस टी कैटेगरी एस सी कटेगरी जनरल कैटेगरी ओबीसी प्लीज गो बिकॉज यू डोंट हैव जनरल एग्जामिनेशन जनरल टेस्ट ओके चलिए गैज काफी मैं भी इमोशनल हो गया हूँ मुझे खुद लग रहा है मैं आपके साथ एग्जाम जा रहा हूँ आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स ठीक है एंड ऑलवेज थिंक एक एक वर्ड याद रखना है कि दिस एग्जाम इज नॉट योर लाइफ दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ आई विल टेल यू ट्रस्ट मी नहीं होगा एग्जाम कुछ और करेंगे सो मेनी थिंग्स नॉट नॉटेज हंड्रेड थिंग्स हैं करने के लिए यार बिजनेस कर लेंगे कुछ लोग कैट की तैयारी करेंगे कुछ यू की तैयारी करेंगे कुछ सी यू की फिर देंगे ऐसे ही साल बीत जाएगी एंड कुछ अगर हो ऐसा भी हो सकता है कि प्लेसमेंट कर लें जॉब कर लें देर इज ऑल्सो देयर सो मेनी थिंग्स एग्जाम दिस इज जस्ट द एग्जाम डोंट मेक इट लाइफ आई विल टेल यू हाउ टू ओवरकम आई हैव गॉन थ्रू एवरी फेज चाहे यू का एग्जामिनेशन हो चाहे नेट जी के एग्जाम हो एवरी फेज आई हैव सीन सो आई कैन डेफिनेटली टेल यू व्हाट विल बी दियर व्हाट विल व्हाट यू विल बी गोइंग टू डू और नेगेटिव नहीं होना ये हो गया वो हो गया पैसे बर्बाद हो गया आई नो मेनी ऑफ यू हैव गिवन लॉट्स ऑफ हैवी फीस फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड एंड नॉट स्कोरिंग वेल इट्स ओके वी हैव ऑल द सोल्यूशंस ठीक है और मैं अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा चलिए और मैं आपका टाइम नहीं लूंगा प्लीज एक बार मैं बता रहा हूं एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे स्किप करेंगे लेकिन कोशिश करेंगे वर्स्ट केस में भी 50 प्लस करने का वर्स्ट केस 50 प्लस आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो जनरल कैटेगरी हो तो टॉप तो तो फाइव इंस्टीट्यूट का सपना बिल्कुल छोड़ दो मिनिमम फिफ्टी प्लस और मैक्सिमम यू कैन अटेंड सेवेंटी ठीक है ऑन एन एन एवरेज सिक्सटी फाइव प्लस यू शुड है नवीनॉमिक्स इज ऑलवेज देयर विथ यू विश यू द बेस्ट होप टू सी यू दफ्टर द एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट गाइज और हमेशा पॉजिटिव रहें अपने आप को मोटिवेट रखें अच्छे से सोए आज मैं आपको मिलूंगा एक दो दिन में एग्जामिनेशन का कट ऑफ के, के बाद चलो गाइज बाय बाय टेक केयर और यह स्क्रीन शॉट ले लेंगे आप एनी टाइम यू कैन कनेक्ट एस एंड प्लीज डोंट व्हाट्सएप प्लीज डोंट मैसेज सर इतना क्वेश्चन किया ये कट ऑफ का रिलेटेड प्लीज ना बताएं आई विल भी रिलीजिंग माई वीडियो ऑन यू ट्यूब इट सेल्फ चलो गाइज बाय बाय